टेस्ट तो ऐसा है कि एडिक्टिव हो जाएंगे आप भैया। जो लिट्टी है जनपद क्या पूरे प्रदेश में भी ऐसी लिट्टी स्वादिष्ट लिट्टी कहीं नहीं मिल सकती। हेलो दोस्तों, आज हमारी बढ़ती हुई गाड़ी आके रुक चुकी है बलिया जिले के लोहा पट्टी रोड में। और लोहा पट्टी रोड में आपने लिट्टी और छोला नहीं खाया तो क्या खाया। तो बलिया का वैसे तो मशहूर है लिट्टी चोखा, और आज हम आनंद लेने वाले हैं सुबह सुबह इस कड़ाके की ठंड में लिट्टी और छोला की। वैसे तो बलिया निवासी सुबह सुबह लिट्टी छोला नाश्ते में खाना बहुत ही पसंद करते हैं, तो इसी की शुरुआत हम लोग आज आए हैं करने के लिए। विजय लिट्टी छोला मेरे पीछे आप शॉप देख सकते हो। तो आज चलते हैं और पूरी कहानी इनकी बताने वाले हम इस स्टोरी में, और वीडियो को भोजपुरिया अंदाज में स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो या शुरू कर जाओ आपके पूरा कहानी बताओ। लिट्टी छोले की दुकान है लोहा पट्टी जंगली मोहल्ले में। ये दुकान बहुत पुरानी है, लगभग 30 साल पुरानी ये दुकान है। जब हमारे पापा ने स्टार्ट किया था इस काम को तो मतलब 1 रुपये का लिट्टी होगा उस टाइम, और मुझे जहाँ तक याद है 3 रुपये का 2 लिट्टी याद है। अब इस टाइम 20 रुपये का 2 लिट्टी है। समय के हिसाब से सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं इस वजह से, और क्वालिटी में हम लोग कोई कमी नहीं करते हैं। जितना मेरे दुकान पर आइटम है सब चीज़ 1 नंबर का, कोई मतलब जो भी हुआ तेल हुआ मसाला हुआ किसी चीज़ में कोई कमी नहीं। काम का स्टार्टिंग हम लोग का रात से ही हो जाता है। मटर को हम लोग रात में उबाल देते हैं, पानी में भिगो देते हैं, अगले दिन सुबह उसको बनाते हैं। मतलब गर्मी के दिन में 4 बजे, ठंडे में 5 बजे से हम लोग लग जाते हैं, और दुकान गर्मी के दिन में 7-7:30 बजे और ठंडे के दिन में 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है। सब लोग मिल के साथ में करते हैं उस काम को, और 12 बजे तक दुकान खुला रहता है ठंडे में, गर्मी में 11:30 बजे तक। हमारे यहाँ मसाला जो है वो 3 क्वालिटी में है, एक मसाले का पानी है और एक हरे मिर्ची का चटनी है, और एक प्याज और मसाला का जो हम लोग ग्रेवी बनाते हैं वो है तीखा, और एक छोला है हम लोग के यहाँ। और लिट्टी बस सुबह सुबह से लगते हैं हम लोग, और 8 बजे लग जाता है दुकान। अभी भैया के पास मसाले 3-4 प्रकार से, और भैया स्पाइसी कम ही रखते हैं, मैं स्पाइसी मेरे पास नहीं रखता हूँ इतना, जैसे नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही बनाइए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आप स्पाइसी अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में आ चुका पूरा प्याज के गार्निशिंग करके, और लिट्टी छोला हाथ में है। तो इसका प्रेजेंटेशन देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है। ठंड के टाइम में ना ये गरम गरम चीज़ मिल जाना तो बिल्कुल आग लगा देती है बॉडी में। तो अभी मैं इसको ट्राई करता हूँ, और जैसे ही आप हाथ में लोगे ना तो इसके जो फ्लेवर्स हैं मसाले की बहुत ही काफ़ी अच्छा आएगा आपके पास। मतलब आपको लगेगा कि हाँ कुछ मसाले हैं जो आपको फ्लेवर्स दे रहे हैं, और बाइट लेते उसके बाद आपको बताते आएंगे। छोले की मैं बात करूँ तो एक्चुअली मैं बहुत पहले से आता हूँ यहाँ पे, मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, और इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा है। काफ़ी छोले और मसाले जो हैं बहुत अच्छे से भुने गए हैं, काफ़ी अच्छा सा प्रिपरेशन हुआ हो रखा है, जिसकी वजह से आपको टेस्ट अच्छा लगेगा और काफ़ी मज़ा आएगा। और मेरे पीछे देख सकते हो बहुत लोग आते हैं, लोग खाना पसंद करते हैं और हम भी खा रहे हैं साथ में। तो जो लोग ये वीडियो बलिया से बाहर के देख रहे हैं या बलिया के आसपास के हो तो हाईली रिकमेंडेड है कि आओ एक बार ट्राई करो। और भाई सच में बता रहा हूँ, अगर पसंद आए ना तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, खुलेआम मैं बोल रहा हूँ इस बात के लिए। और पसंद आए ना तो सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और सब्सक्राइब से बातें आते जाएगी तो वो जो लाल कलर का बटन है ना यार, प्रेस करके ग्रे कर दो, क्योंकि उससे बड़ा मेरी दुश्मनी हो चुकी है अच्छा खासा, तो ग्रे कर दो। और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दो,
अगर वीडियो यहाँ तक देखा और पसंद आ रहा है तो बहुत सिंपल सी दुकान है, लेकिन भीड़ वैसे ही रखती है। पीछे देख सकते हो आदमी भी बहुत सारे लोग हैं जो इनके लिट्टी छोले को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और उन्हीं पसंदीदा में मैं भी एक हूँ जो इनके लिट्टी और छोला को काफ़ी पसंद करता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को रिकमेंड किया जाए। तो इतने भीड़ में लेके आना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें पूरा ग्रेवी पूरा भरा होता है, और ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का है। इन्होंने पहले ये बाटी को पूरा ग्रेवी वाले पानी में इसको डिप कर दिया थोड़ी देर, और उसके बाद ये चीज़ हमें दिया। और इसमें देख सकते हो ये मसाले लवर्स के लिए है जो थोड़ा मसाला पसंद करते हैं और टेस्ट को काफ़ी इन्हेंस करने वाला ये चीज़ है। और ये जो थोड़ा सा मसाले जब डिप हुआ है ना तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हो चुका है, तो हाथ में भी लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम। इसको टेस्ट करते हैं कि इसका कैसा टेस्ट है। बहुत जानदार। लिट्टी के एक खास मैं बात और बताऊं, जो इसमें सत्तू ही भरी हुई है वो बहुत ही अलग फ्लेवर दे रहा है। सत्तू तो है ही, उसके साथ जो छोले और मसाले हैं वो अलग टेस्ट है, मतलब एक डिफरेंट टेस्ट और अल्टीमेट मतलब स्वाद आ जाता है, मज़ा आ जाता है खा के। और मैं इस वीडियो में आपको क्या बयां करूँ इस चीज़ की, आप आओ खुद ही इंजॉय कर सकते हो इस सारी चीज़ों को। आते समय हाथ की हालत देखो, यहाँ चम्मच का कोई व्यवस्था नहीं है, और तो जो मज़ा है हाथ का है वही मज़ा है, देसी मज़ा। कहूँगा हाथ का जो टेस्ट है ना, जैसे हम लोग चावल वावल खाते हैं पूरा मिक्स करके मज़ा आ जाए वही है। जैसा हाथ गंदा होता है लेकिन हाथ धुल रही है। और अब इसको ट्राई करते हैं छोले और मसाले के। माइंड ब्लोइंग टेस्ट। जो लिट्टी है जनपद या पूरे प्रदेश में भी ऐसी लिट्टी स्वादिष्ट लिट्टी कहीं नहीं मिल सकती, इसलिए हर रोज़ हम लोग यहाँ आते हैं और लिट्टी खाकर स्वाद का आनंद उठाते हैं। टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, और सुबह सुबह इसका नाश्ता मिल जाना मेरे लिए और भी अच्छा है। हम लोग तो लगभग डेली आ जाते हैं यहाँ पर, अच्छा। हर दो दिन तीन दिन पे, और खाने में ये बहुत ही लजीज है। हम तो इनके डेली कस्टमर हैं इनका, हम तो बचपन से इनके यहाँ आते हैं खाने। ये 3 रुपये प्लेट बेचते थे तब से हम खा रहे हैं। टेस्ट तो अच्छा लगता है, बचपन से हम लोग यहाँ कम से कम 6-7 सालों से आ रहा है, अच्छा। तो अच्छा टेस्ट रहता है, आपके स्वाद अनुसार देते हैं, सादा बोलेंगे तो सादा देंगे और तीखा बोलेंगे तो तीखा देंगे। मैं अपने तरफ से तो 5 दूंगा रेटिंग। टेस्ट तो ऐसा है कि एडिक्टिव हो जाएंगे आप भी और मतलब खाए बिना रह नहीं पाएंगे। यही कहना चाह रहे हैं बस। अभी हमने लिट्टी छोला सब कुछ फिनिश किया, दो तरीके की हमने लिट्टी छोला ट्राई किया, एक पूरा डिप करके था और एक सूखा था, मतलब वो भी ग्रेवी में। तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस के मामले में मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीट फूड के मामले में इसको टॉप पे रखूँगा, क्योंकि बलिया में मुझे नहीं लगता कि लिट्टी छोला कोई इस लेवल का बेचता है, काफ़ी क्राउड भी रहता है। और लिट्टी छोला बहुत ही अच्छा लगा, और हालांकि जितने ही लोग रिव्यू दिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस रहा, लोग बड़े लंबे टाइम से आते हैं खाते हैं और सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं कहूँगा टेस्ट देख के आओ, बहुत ही लाजवाब टेस्ट मिलेगा। और अगर रेटिंग के मामले में मैं कहूँगा तो 5 out of 5 मेरे ओर से 100% है, क्योंकि जो टेस्ट फ्लेवर हैं गज़ब के हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना, और हमारे पुराने वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई कार्ड पे यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा, तो आई कार्ड पे क्लिक करके हमारे पुराने वीडियोस देख लेना। फूड ब्लॉग, स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट्स के भी हमने रिव्यूज़ किए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आप वीडियो देख सकते हो। और आई होप कि आप काफ़ी इंजॉय किए होंगे, अगर आपने यहाँ तक तो वीडियो देखा तो मुझे लगता है कि आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा। और वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी न्यू ब्लॉग में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।